गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका मार्च का इवनिंग अटेम्प्ट का पेपर कंप्लीट हो गया होगा और मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों को मिले हैं, उन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डिस्कस किया जा रहा है और इससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है और कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को मिला है वो स्टोइकोमेट्री का मिला है। इस स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन में NaOH को दो बार टाइट्रेट किया जा रहा है, एक बार आपको टाइट्रेट किया जा रहा है यहाँ पर H3PO3 के साथ में और सेकंड टाइम इसको टाइट्रेट किया जा रहा है अगेन H3PO2 के साथ में। दोनों केस में जो NaOH का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो अलग अलग दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कंज्यूम होने वाला वॉल्यूम है XML और सेकेंड केस में कंज्यूम होने वाला वॉल्यूम है वो है YML। यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हो जिसमें आप बोल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसेट। ग्राम इक्विवेलेंट अगर दे रखा है और आपको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने और मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स इनटू एन फैक्टर से आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला केस जो दे रखा है उसमें NaOH का H3PO3 के साथ में टाइट्रेशन है, तो NaOH का एन फैक्टर होता है 1, H3PO3 का एन फैक्टर होता है 2, ये अपने को लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब इक्विवेलेंट निकालने के लिए मिली मोल्स की हेल्प ली जा रही है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ML, 1 × x ये मिलीमोल हो जाएंगे, n फैक्टर 1 है NaOH का, इसके लिए 1 × 50 जो डाटा आपको दे रखा है इंटू n फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में मिली इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ से x का वैल्यू आता है 100 ml, तो फर्स्ट केस में 100 ml NaOH कंज्यूम होगा। सेकंड केस के लिए H3PO2 दे रखा है, ये H3PO2 1H रिलीज कर सकता है, इट मीन्स इसका n फैक्टर 1 होगा। अगेन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज में ले रहे हो, 1 × y ये आपके पास में मिली मोल्स हो गए, एन फैक्टर 1, 2 × 200 × n फैक्टर 1 तो आपके पास में मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए। यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड करते तो वाई 200 आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस में है उसके लिए ए आंसर आपके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है, जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन गिवन है। इस कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है या इनकरेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। उसमें से फर्स्ट आपको दे रखा है शोइंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ब्राउनियन मोशन होती है, ये भी कोलोइड्स में आप ऑब्जर्व करते हो, बट यहाँ पर जो थर्ड दे रखा है कैनॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज लार्ज होता है, उससे कोलोइड को फिल्टर नहीं कर सकते, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जैसा कि अपने उन्होंने आयन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही उसकी कोएगुलेशन पावर या फ्लॉकुलेशन पावर हायर होती है, तो डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में काइनेटिक्स से रिलेटेड। इस काइनेटिक्स में आपको दो कंपोनेंट या दो कंपाउंड दे रखे, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ठीक है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोज हो रहे हैं, तो मैं यहां पर टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए AT = A0e^-KT अप्लाई कर सकता हूं और BT = B0e^-K(B)(T) अप्लाई कर सकता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसमें आपको सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इट मीन्स A0 = B0 होगा और साथ में आपको आफ्टर टाइम टी दे रखा है 16 टाइम्स A हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू B, तो A = 16 times of B at time t होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डाटा इसमें प्लेस कर सकते हो, AT = 16 BT प्लेस कर सकते हो, AT के लिए A0 e^-KT, K सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूँ K = ln2/2 half life for first order reaction।
यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, हाफ लाइफ का वैल्यू ए के लिए 54 है और बी के लिए आपको दे रखा है 18 मिनट्स। ठीक है, डाटा आप प्लेस करो, यहाँ से टाइम टी कैलकुलेट करते हो तो टी का वैल्यू 108 मिनट्स आता है। इट मीन्स इसका फाइनल आंसर 108 मिनट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड। ये बाइनरी मिक्सचर का बाइनरी लिक्विड वॉलेटाइल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें लिक्विड ए दे रखा है, लिक्विड बी दे रखा है और साथ में प्योर स्टेट में पी नॉट की वैल्यू ए और बी के लिए गिवन है 21 एंड 18। यहां पर जो मिक्सचर किया जा रहा है उस मिक्सिंग के लिए 1 मोल ऑफ ए दे रखा है, 2 मोल ऑफ बी दे रखा है, तो टोटल मिक्सचर बनेगा 3 मोल। अब आप मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना चाहते हो ए का, तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स ए प्लस बी कर सकते हो, इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। और एक्स बी का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हो 1 माइनस एक्स से कर सकते हो, ये 2/3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल आपके पास में जो होगा वो होगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। एक्स ए पी ए नॉट ये राउल्स लॉ से आता है और एक्स बी पी बी नॉट ये भी राउल्स लॉ से आता है और डॉल्टन लॉ यहाँ अप्लाई करते हो तो P टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का सम होगा और ये सम आता है 19 किलो पास्कल। आपका फाइनल आंसर 19 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग। इसमें आपको दे रखा है एचसीपी पैकिंग और एचसीपी पैकिंग में जो पार्टिकल अरेंज हो रहा है उसका एटॉमिक मास गिवन है 198 और जो कंपाउंड सॉरी एलिमेंट ए दे रखा है इस एलिमेंट ए का मास है आपके पास में 1.5 ग्राम। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एससीपी पैकिंग है उसमें जितने पार्टिकल होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन वन यूनिट सेल। आप मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से आप मोल आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोल आ गया, मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आता है 4.56 × 10^21। बट आपको आंसर प्रोवाइड करना है x इंटू 10^21 की फॉर्म में तो आपके पास में x का वैल्यू होगा 4.56 और क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 5 तो यहां पे आपका आंसर 5 होगा। अगला क्वेश्चन अगेन स्टोइकोमेट्री से है। इस क्वेश्चन में आपको क्रोमियम सल्फेट दे रखा है, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट का। उसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन नोट करनी पड़ेगी। बैलेंस इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर मैंने क्रोमियम सल्फेट प्लस 3PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 3PbSO4 प्लस CrNO3 होल ट्वाइस। बैलेंस रिएक्शन है, मिलीमोलर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, मिलीमोल्स आ जाएंगे और मिलीमोल से लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका वैल्यू लिस्ट होगा वो आपके लिए एलआर होगा। तो एलआर चेक करने के लिए गिवन मोल्स मिलीमोल्स निकाल दिए, कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करोगे ये वैल्यू लेसर आएगी, इट मीन्स ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सारी कैलकुलेशन एलआर के बेसिस पे होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मोल से कितने जनरेट हो रहे हैं, बेटा 3 मोल जनरेट हो रहे हैं तो जितने मोल PbNO3 होगा उतने ही मोल्स PbSO4 जनरेट होगा, PbSO4 फॉर्म होगा। मोल्स ऑफ PbSO4 दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस बाय स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ पे आपके पास में 5 × 525 × 10^-5 आता है बट यहाँ पे आंसर आपको अगेन करना है x × 10^-5 के फॉर्म में और x फाइंड करना है तो x का वैल्यू आना चाहिए 525। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर है 525। अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके लिए आपको एन का वैल्यू गिवन है, एल भी स्पेसिफाइड है, एम भी स्पेसिफाइड है।
एक पर्टिकुलर एनएलएम वैल्यू के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, ये सबको लर्न होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एनएलएम वैल्यू के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन पूछे होते तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए तो आंसर 2 होना चाहिए, बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए आंसर 1 ही रहेगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है 5, एल इक्वल टू 4 होता है जी सबशेल के लिए, तो 5G सबशेल है उसमें एम इक्वल टू +2 वाला एक ही ऑर्बिटल होगा, तो यहां पे आपका आंसर 1 होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, वह आयनिक इक्विलिब्रियम से। यह क्वेश्चन थोड़ा अबव एवरेज आया था, टिपिकल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिला हुआ। डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.5588 मोलर H2SO3। H2SO3 डाइप्रोटिक एसिड है और यह 2 times आयनाइज होता है। HSO3 माइनस अगेन आयनाइज होगा, बट यहां पर K1 और K2 का वैल्यू अगर चेक करें तो K1 और K2 में डिफरेंस बहुत लार्ज है, तो सेकंड टर्म से आने वाले H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही स्मॉल होगी। That's why मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम जो H+ आ रहा है उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, जो भी H+ आ रहा है वो फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा 0.588 और ये अल्फा टाइम्स आयनाइज हो रहा है, H+ कैलकुलेट करना है और HSO3 का डाटा आप देखोगे तो अल्फा इंटू 0.588 हो जाना चाहिए। यहां से जब K कैलकुलेट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, या फिर K आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा, जैसा कि मैंने यहां पे कर रखा। यहां से जब अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा 0.1564। अब अगर H+ कैलकुलेट करना चाहते हो तो H+ का वैल्यू अल्फा इंटू 0.588 होगा, तो यहाँ पे आपके पास में H+ भी आ गया। नेगेटिव लॉगरिथम करोगे तो उसका लॉग आया 1.036 और क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी होगी वो 1 होगी, दैट्स व्हाई इसका फाइनल आंसर 1 होना चाहिए। ये 8th क्वेश्चन हम लोगों को मेमोरी बेस्ड गेन हुए थे जो आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए गए। थैंक यू।